अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर सफारी वैली के अंदर खड़े हुए हैं और इस वक्त हैं हम अली ब्लॉक के अंदर, जहां हम आपको एक 7 मरले के घर का विज़िट कराएंगे जिसका ऑलमोस्ट कवर एरिया जो होता है वो तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट के लगभग होता है। ये 4 बेडरूम हाउस है जिसका एक बेडरूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, 3 बेडरूम जो हैं ऊपर हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एलिवेशन हुई है, गेट पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन हुआ है। और आए हम आपको ये घर जो है ना वो अंदर से दिखाएं। देख रहे हैं आप इसका गेट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है और ये गली दिखाएं, ये गली भी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत किस्म का इसका वो गार्डन है। ठीक है, अभी हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। स्लाइडिंग किस्म का डोर है, नीचे फ्लोर के चिप्स लगी हुई है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर है, फ्लोर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर चिप्स वगैरह लगाई हुई हैं, फॉल सीलिंग है, पार्किंग के अंदर आराम से 2 गाड़ियां जो है ना वो आप फिट इन कर सकते हैं। एक साइड पे गैलरी दी हुई है जिसके अंदर नॉर्मली जो है ना वाटर मशीन वगैरह लगी हुई होती है। अभी हम देख सकते हैं कि 2 डोर्स हमें नज़र आते हैं, एक जो है ना मेन एंट्रेंस है घर की, दूसरा जो है वो टूवर्ड्स ड्राइंग रूम जो है ना वो खुल रहा है और ये बेसिकली सिंगल यूनिट घर है। ठीक है, अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये टाइल्स हैं, आप टाइल्स देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस कलर की टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, वाइट है, गिव्स अ रियली वाइट लुक टू द हाउस, वेरी नीट एंड क्लीन लुक, बहुत ही ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन घर आपको नज़र आ रहा है। इस घर की जो डिमांड है ना वो 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, और इट इज़ निगोशिएबल ऑफकोर्स। आप फॉल सीलिंग वगैरह देखें, एक शैंडेलियर बीच में लगा हुआ है, बहुत बड़ी सी जगह है, देख लें सीढ़ियों के नीचे भी बड़ी जगह सी बनी हुई है। और ये पाउडर रूम है, एक पाउडर रूम दिया हुआ है नीचे। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह जो है वो लगी हुई है, हर किस्म की चीज़ है। ठीक है, दैट्स रियली नाइस। अच्छा जी शहबाज भाई, अब हम दिखाते हैं टीवी लाउंज, सॉरी ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज ये है, आगे सामने आप देख रहे हैं टीवी रैक वगैरह भी पड़ा है। ये है जी ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर ना ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डोर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, डोर में दिखाता हूँ। स्लाइडिंग डोर है जो कि बंद भी हो जाता है इस तरह करके और खुल भी जाता है। ठीक है जी, ये ड्राइंग रूम है, हम ड्राइंग रूम दिखाते हैं आपको। ड्राइंग रूम की एक वॉल के ऊपर जो है ना वो वॉल पेपर लगा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, एसी आउटलेट वगैरह दी हुई है, हर चीज दी हुई है। अब हम आपको जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक रूम है वो दिखा देते हैं। ठीक है, ये है जी बेडरूम और काफ़ी खुला बेडरूम है। ठीक है, टाइल का कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ जी, अच्छा हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी सारी वॉर्डरोब दी हुई है। ठीक है, ठीक ठाक बड़ी वॉर्डरोब है जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, वॉशरूम इज ऑलवेज देखना पड़ता है कि क्या वॉशरूम, कैसा वॉशरूम है। अच्छा जी, अच्छा ये वॉशरूम भी देखें आप, ऊपर तक जहाँ टाइलें लगी हुई होती है ना वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइटनिंग है इसके शीशे के अंदर भी ना, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम जाएंगे टूवर्ड्स किचन, हमने किचन पहले दिखाते हैं नॉर्मली, हम इस आज हमने थोड़ा सा किचन जो है वो बंद करें। ये किचन है, किचन के अंदर अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किचन के अंदर जो कैबिनेट्स हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा सा है, कैबिनेट्स अच्छी लगी हुई है, किचन काफ़ी खुला सा है, किचन काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है। हाँ जी, अच्छा वेरी नाइस, वेरी नाइस। नैस गैस की जो है ये इक्विपमेंट लगाया हुआ है सारा, एंड विच इज़ वन ऑफ द गुड कंपनीज, प्रॉपर हिंजेस वगैरह हैं हर चीज़ की। पीछे वाली जगह भी दिखा दें जहाँ नॉर्मली जो है ना वो लॉन्ड्री होती है। ठीक है ना, लॉन्ड्री के लिए बनाया हुआ होता है ये पोर्शन। ठीक है, और यस, अच्छा अब हम जाएंगे अपस्टेयर्स। ठीक है, जहाँ हमारे पास जो है वो तकरीबन कितने रूम्स हैं शिबाज भाई, 3 रूम्स हैं। यस, मार्बल लगा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर। ठीक है, और अब हम ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं, हम दिखाते हैं कि ऊपर क्या, ऊपर चढ़ते सार ही हमारे पास टीवी लाउंज आ जाता है जहाँ एक LED रैक लगा हुआ है, पीछे उसके वॉल पेपर लगा हुआ है, एंड वी हैव 3 रूम्स। वो रूम है पहला, पहला वही रूम दिखा दें शिबाज भाई,
ये रूम है, ये रूम वो है जो टूवर्ड द टेरेस है, ये रूम है। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा, ये जो है इस बेडरूम के साथ अटैच जो वॉशरूम है, और ये वॉक इन वार्डरोब टाइप सी बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो वॉशरूम है दैट इज रियली नाइस। पूल की सैनिटरी लगी हुई है इसके अंदर। ये रिलेटिवली एक नया ब्रांड है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट रियली बैड। इससे बेडरूम के साथ जो है वो बैल्कनी भी है छोटी सी, ठीक है, एज ऑलवेज आप देख सकते हैं ये बैल्कनी है। ये आपको स्ट्रीट का व्यू नजर आ गया। इस घर के बिल्कुल साथ भी एक घर है जो कि फॉर सेल है, और इसी बिल्डर का है, 7 मरले का। वो भी इंशाल्लाह हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इसके ऊपर जो है ना, ऊपर हमेशा सेम ही चीज़ होती है। ऊपर जो है वो मतलब छत के ऊपर आपको पता है कि वो ही होता है हमेशा, सर्वेंट रूम है और अटैच बाथरूम होता है, ममटी है। ऊपर जाने की हमें खास ज़रूरत भी नहीं है। हम आपको ये दो अब कमरे दिखाते हैं मज़ीद जो इसके अंदर हैं। ये आप देख रहे हैं सेम टाइल्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो ऊपर है। अच्छा जी, वो ये वार्डरोब्स हो गए। किचन दिखाएं शिबाज भाई इनको, किचन कह रहा हूँ सॉरी, शिबाज भाई इनको ये दिखाएं जो वॉशरूम है। गर्मी बहुत है और गर्मी साफ लग रही है आज। ये एक 7 वाला बेडरूम है जो आखिरी बेडरूम है। दिस इज द फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस एंड हियर यू गो। इसके अंदर एक यूनिक किस्म की इन्होंने ऊपर डिजाइन दिया हुआ था जो है वो उसका फॉल सीलिंग का। ये वार्डरोब्स हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी सी जगह मुझे फील हो रहा है कि टाइट है, ठीक है। इफ़ यू ओपन द क्लोजेट्स सो इट्स अ बिट टाइटर। ये इसका वॉशरूम है, शीशे काफी बड़े लगे हुए हैं, इट्स नाइस, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घर की डिमांड, ये 7 मरले का घर है अली ब्लॉक के अंदर, और इसकी डिमांड है तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और ये बहुत ही अच्छा घर बना हुआ घर है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। छत के ऊपर जो है वो नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पानी की टैंकी है, सर्वेंट रूम होता है, और जो है क्या कहते हैं वॉशरूम अटैच्ड होता है। ये घर की डिमांड 2 करोड़ है। अगर आपको ये घर पसंद आया, या आप कोई भी और प्रॉपर्टी देख रहे हैं बैरियर टाउन फेज 8 में, या आपको किसी भी किस्म की रियल स्टेट कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमारी टीम को ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।